नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ब्यूटी कोडर चैनल पर। और आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, पूरी डिटेलिंग दूंगा सीईटी दिल्ली 2019 के बारे में, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम ओवर होने वाले हैं या बहुत लोगों के एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं, और उसके बाद टेंथ के बाद आप जो है जेई बनकर यानी कि जूनियर इंजीनियर बनके एक बहुत ही अच्छी जो है कि पोजीशन हासिल कर सकते हैं टेक्निकल फील्ड में, यानी कि आप एक जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, जेई बन सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इसमें गवर्नमेंट जॉब के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इसके बारे में पूरी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैं जैसे कि हर साल आपको प्रिपरेशन कराता हूं, ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग मैं आपको आज उन लोगों से मिलवाने वाला हूं जो अभी कॉलेज में है और हमारे यहां से पढ़कर उन्होंने टॉप किया है, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हो ये एक लड़का है जिसका नाम है नितिन, ठीक है, नितिन शर्मा नाम है इनका। और इन्होंने काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत ही अच्छी पढ़ाई करके इन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट में टॉप किया था। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि सीईटी दिल्ली टॉपर 2018, ये हमारे यहाँ के टॉपर रहे हैं। और इसके साथ ही और भी छात्र हैं जो अभी अध्ययन कर रहे हैं अलग अलग कॉलेजों में। जैसे आप देखोगे कि इन्होंने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिविल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये हमारे टॉपर थे लास्ट ईयर के, और इस साल अभी बैच स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे और छात्र हैं, जैसे नीरज इलेक्ट्रिकल, गुरु नानक देव, GND का मतलब होता है गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। महफूज टूल एंड डाई में है अभी, और हर ये सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। गोविंदा यानी गोविंद जो है ऑटोमोबाइल इन्होंने ली है, और गुरु तेग बहादुर में है, हालांकि प्राइवेट में है लेकिन इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट, इनकी कोई फीस नहीं लगती है क्योंकि मैंने एडमिशन कराया, वो एक अलग तरीके से होता है। और सुनैना यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कस्तूरबा गांधी, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपके कुछ जो छात्र हैं, जैसे रितु हैं इलेक्ट्रिकल लेके पढ़ रही है कस्तूरबा गांधी में, मनीष हैं कंप्यूटर साइंस GND में है, और अभिषेक हैं ऑटोमोबाइल के साथ गुरु तेग बहादुर में, अनिल हैं पूसा में है इलेक्ट्रिकल लेके पढ़ रहे हैं, रविकांत हैं टूल एंड डाई लेके पढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही इन सबको देखिए अच्छे अच्छे कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेज में है, सभी की सभी गवर्नमेंट कॉलेज में है। आशीष ऑटोमोबाइल से पूसा से कर रहे हैं, और विक्की मैकेनिकल पूसा से कर रहे हैं, और जैनब जो है कि कस्तूरबा गांधी में है, ठीक है, और कुलदीप IT से कर रहे हैं, ये जो है बल्लभ पंत से हैं, गुरु गोविंद बल्लभ पंत, और अमित इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं GND से। इसके अलावा और भी छात्र हैं जैसे यहाँ पे आप देखें, और आप जैसे कि जानते हैं कि सीईटी दिल्ली 2019 गारंटीड एडमिशन, यानी कि मैं आपका गारंटी एडमिशन सच में करवाता हूँ, ठीक है, ये मैं मजाक नहीं करता हूँ। बस आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, और फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग तक की प्रक्रिया सब कुछ मेरे हाथों में अगर आप छोड़ देते हैं तो 99% आपका एडमिशन होने के चांस रहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे आकाश हैं, ठीक है, आर्ट एंड ड्राइंग टीचर बन गए हैं, ये सर वकील से ये कर रहे हैं, ये कॉलेज है आर्ट एंड ड्राइंग टीचर का, इसमें डिप्लोमा भी इसी से होता है दिल्ली CET से। राहुल हैं इलेक्ट्रिकल लेके पढ़ रहे हैं छोटू राम में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेहा जी हैं कस्तूरबा गांधी में, नवीन है इलेक्ट्रिकल में छोटू राम से ये पढ़ रहे हैं, विजय इलेक्ट्रिकल छोटू राम से ये भी, ठीक है। और देखें आप यहाँ देखें कि ज़्यादातर लोगों ने इलेक्ट्रिकल लिया है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिकल से पढ़ रहे हैं लड़का सूरज, और रवि टूल एंड डाई लेके ये पढ़ रहे हैं, राहुल केमिकल इंजीनियरिंग GND में है ये, दुर्गेश गुरु तेग बहादुर में ऑटोमोबाइल लिया इन्होंने, और रवि टूल एंड डाई वजीरपुर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो नवीन है सिविल से जो है कि पूसा से पढ़ रहे हैं, प्रदीप टूल एंड डाई वजीरपुर से पढ़ रहे हैं, डाइट कहते हैं इस ये टूल एंड डाई को ना, पूरा इसका नाम है DITE दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग, ओके। उसके बाद विकास है टूल एंड डाई में, ठीक है, और सिद्धार्थ हैं इसमें जो है कि वह टूल एंड डाई, ये सब टूल एंड डाई में इनका एडमिशन हुआ है, ठीक है। और टूल एंड डाई में बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलता है, आपको बता दें सारे टॉपर्स हैं, यानी सबकी बहुत अच्छी अच्छी रैंक है, इसलिए सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज में आप इनसे डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी इन सबसे मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ओरिजिनल हैं, सब यहीं के हैं। तो देखिए आपको मैं इसे क्या संदेश देना चाहता हूँ, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपको सही डायरेक्शन सही गाइड मिले तो निश्चित ही आप जो है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, और आपको गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे चांस जो है कि आपके सामने रहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते क्योंकि आपके पास कोई प्रिस्क्राइब डिग्री या डिप्लोमा नहीं होता है, लेकिन यहाँ आपको मिल रहा है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि डिप्लोमा को पूरा करें और फॉर्म भरवाएं या खुद भी भर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर कोई एक्सपर्ट भरता है तो एक्सपर्ट में और नॉर्मल इंसान में फ़र्क तो होता ही है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप खुद ना भरें, मुझसे भरवाएं तो बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि आप कहीं भी भरवाएंगे या भरेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप खुद सोचिए समझिए, और मैं आपकी प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ जीरो से लेकर हीरो तक की, तो आप जो है जुड़े रहें हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।